ऑल ऑफ यू वेलकम टू श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम नवीन कुमार, आई एम ऑफ द फैकल्टी ऑफ श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अपन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे थे, अपना ये सब्जेक्ट चल रहा था, इसमें यूनिट नंबर 4 चल रही थी, जिसमें अपन ने अर्थ प्रेशर के कुछ केसेस थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था, कुछ अपने 5 केसेस थे उनको पढ़ा था पिछली क्लास में। आज कुछ उसका एक केस है वो बचा हुआ है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वो काफ़ी बड़ा है, वो ही उसी को एक डेरिवेशनल पोर्शन में पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन में उसी पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट होता है, तो उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अपना लेक्चर नंबर 33 है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए आठवां है ये अपना, 8th नंबर का है। देखिए अपन जो पहले जो केस पढ़े हैं वो अपन ने क्या पढ़े थे, पहला तो पढ़ा था एक ड्राई के केस में था कि जो बैकफिल है ना वो अपनी ड्राई कंडीशन में है। ये अपनी बैकफिल है, इधर ये वाली ये बैकफिल है, ये ड्राई सॉइल फिलअप है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ड्राई सॉइल फिलअप है तो इसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा, जो प्रेशर इस रिटेनिंग स्ट्रक्चर पे जो प्रेशर लगेगा वो अपन ने कैलकुलेट किया था। फिर उसके बाद डिफरेंट जैसे ये अपनी सरफेस ओरिजेंटल है, फिर दूसरा ये इंक्लाइंड में है, और तीसरा था कि ये ऐसे इंक्लाइंड में है, सॉरी ये इंक्लाइंड में है और कुछ ये हॉरिजॉन्टल में है, तब अपन ने केस निकाले थे। तो ऐसे ही करके इन डिफरेंट केस अपन ने पहले पढ़ लिए थे। आज का अपना केस क्या है कि इंक्लाइंड बैक विद स्लोपिंग सरचार्ज कि जो अपनी बैकफिल है वो इंक्लाइंड पोजीशन में भी है और उसका जो सरचार्ज है वो स्लोपिंग कंडीशन में है। अब देखिए इन दोनों का मीन्स क्या है, अपने को यहाँ कैसे शो किया है, ये डायग्राम अपने को प्लॉट कर रखा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंक्लाइंड बैक। ठीक है, तो ये इसका पोर्शन जो है ये इंक्लाइंड है, देखिए ये पोर्शन इसका पूरा इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड दिख रही है ये अपने को, ये वाली इंक्लाइंड है। ठीक, अब जो सरचार्ज इस पर लग रहा है वो स्लोपिंग पोजीशन में, ये कुछ इसके स्लोप्स है, बैकफिल है इसमें, ये स्लोप है। ठीक है, इस पर सरचार्ज लग रहा है कोई भी वेट, एंगल कितना है उसका बीटा एंगल है, और इंक्लाइंड जो बैक है उसका जो एंगल दिया है वो थीटा दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपने को क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। ठीक है, प्रेशर, एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर दोनों निकालने हैं। तो भाई ये इंक्लाइंड पोजीशन में है तो नॉर्मली बात है कि कंपोनेंट बनेंगे इसमें, एक ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, बोले तो एक थ्रस्ट बनेगी पूरी। ठीक, वो अपन ने कंपोनेंट यहाँ निकाले हैं। इंक्लाइंड पोजीशन के लिए जो अपने एंगल है वो ले लिया अल्फा, और स्लोपेड के लिए अपन ने जो कंपोनेंट के रूप में एंगल लिया है वो लिया है बीटा। ठीक है, और ये कितनी डिस्टेंस पे लिए हैं, एच बाई थर्ड पे लिए हैं। एच बाई थर्ड ही क्यों लिया है, क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रिएक्ट कहाँ करेगा, एच बाई थर्ड पे ही करेगा, बिकॉज इट्स ए ट्रायंगल पोर्शन। कौन सा ट्रायंगल पोर्शन की बात हो रही है, इस वाले की पोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, नहीं ये वाला, तो ये अपना क्या लिया जाएगा, एच बाई थर्ड ले लिया। ठीक है, तो ये तो अपना इसका जो है भाई डायग्राम कैसे प्लॉट हुआ है वो सारी चीज़ बता रखी है। ठीक, अब देखिए इसमें प्रेशर जो रिएक्ट होता है वो प्रेशर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो देखिए। लेट P1 बी द एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन इमेजिनरी वर्टिकल वाल CB। ठीक है, ये अपनी CB वाल है कोई, ये CB वाल है। ठीक है, इसके अपन ने माना है कि इस पर कोई P1 है वो एक्टिव या पैसिव अर्थ प्रेशर लग रहा है, वर्टिकल वाल के कोई इमेज किया है इस पूरे को, इसके ऊपर एक ये फोर्स अपना P1 लग रहा है थ्रू हिल ऑफ वाल की हिल के थ्रू। ठीक है, ये अपना हिल पोर्शन है इसका, कोई भी होती है रिटेनिंग वाल है तो उसका ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन है हिल में आएगा, टॉय में आएगा, ये स्टीम में आएगा। ठीक है, तो अपन ये जो फोर्स लगा रहे हैं P1 ये वाला, ये कहाँ लगा रहे हैं, इसके हिल पॉइंट पर लगा रहे हैं, हिल पॉइंट पर एच बाई थर्ड डिस्टेंस पर लगा रहे हैं। तो देखिए अब ये कितना P1 लग रहा है, अब P1 कितने एंगल पे लग रहा है, बीटा एंगल पे लग रहा है, तो बीटा एंगल पे लग रहा है ओरिजिनल पोजीशन में लग रहा है, तो अपन एक कंपोनेंट लेके पूरा चलेंगे। क्या लिया भाई, P1 इज इक्वल टू
हाफ के गामा एच स्क्वायर इंटू कॉस बीटा। अब ये यहाँ तक का जो पोर्शन था हाफ के गामा इंटू एच स्क्वायर, ये तो भाई पोर्शन कौन सा हो गया? ये पोर्शन तो मान लीजिए ये फोर्स अपना ओरिजेंटल में लग रहा है, तो क्या अपन ने निकाला था कि ये ये प्रेशर डायग्राम है पूरा अपना ऐसे, तो इसमें इस पॉइंट पर निकालना है तो इसका पूरे का प्रेशर निकालना है, क्या करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के ए इंटू गामा इंटू एच इंटू एच का स्क्वायर। तो ये पोर्शन तो अपना यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब अगर ये एक एंगल पे लग रहा है ओरिजिनल पोजीशन में, तो एक कंपोनेंट के रूप में ले लिया कॉस बीटा ले लिया, ठीक है, कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल जो अपना पी वन है वो क्या निकल के आ गया, पी वन निकल के आ गया हाफ के गामा एच स्क्वायर इंटू कॉस बीटा, ठीक है। अब यहाँ जो के है ये के क्या है, के ए और के पी हो सकता है, ठीक है, एक्टिव प्रेशर के केस में कोफिशियंट और पैसिव प्रेशर के कोफिशियंट। अब देखिए पिछले लेक्चर में अपन ने ये फॉर्मूले निकाले थे दोनों के पी, भाई के ए को क्या, के ए इजगल टू कितना होता है, के पी इजगल टू कितना होता है जब अपने को स्लोपिंग दे रखी है, तो अदरवाइज स्लोपिंग नहीं है पूरी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही, तो के इजगल टू अपने को पता है कि क्या होता है 1 - sin φ / 1 + sin φ, ठीक है, ये अपन जानते हैं, ठीक। बट अगर स्लोपिंग वाली कंडीशन है तो अपने को ये फॉर्मूला डायरेक्ट ड्राइव करके ये लिखने पड़ते हैं। तो ये क्या है, के इजगल टू है कोस बीटा माइनस अंडर रूट कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर फाइव अपॉन कोस बीटा प्लस अंडर रूट कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर फाइव, ऐसे ही इन दोनों को अगर चेंज कर देंगे तो ये के पी का निकल के आ जाता है। अब देखिए कल अपन ने भाई एक रिलेशन पढ़ा था इन दोनों के बीच में, के ए इजगल टू क्या होता है 1/kp होता है, वाई के के ए इजगल टू 1/kp इसलिए होता है क्योंकि के ए उल्टा है किसका, पैसिव प्रेशर कोफिशिएंट का, इसलिए ये इसका रिवर्स में होता है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अगर निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रस्ट अगर अपन निकालते हैं, भाई कंपोनेंट लग रहे हैं तो कंपोनेंट लग रहा है तो भाई एक हॉरिजॉन्टल लगता है एक वर्टिकल लगता है। देखिए यहाँ पे एक ये लग रहा है अपना हॉरिजॉन्टल, एक ये वर्टिकल पोजिशन में लग रहा है। हॉरिजॉन्टल वाले को पता है कि अपन क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं, वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, ठीक है। अपने को थ्रस्ट निकालनी है तो मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में अपना हॉरिजॉन्टल है तो एफ एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वन कोस बीटा, वाई पी वन कोस बीटा राइट है यार, बिकॉज पी वन इज ए इनक्लाइंड फोर्सेज रिएक्टेड टू सी बी वाल, ठीक है, सी बी वाल, तो इसलिए इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो कोस के केस में बनेगा ओरिजेंटल का, तो क्या होगा एफ एक्स इजक्वल टू पी वन इंटू कोस बीटा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट थर्स्ट, अगर वर्टिकल कंपोनेंट थर्स्ट देखते हैं तो एक अपना वेट भी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड वेट लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड वेट लग रहा है तो क्या हो जाएगा डब्लू प्लस पी वन साइन बीटा, साइन के केस में क्या आएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो साइन आ जाएगा साइन बीटा, तो फाइनल क्या निकल गया एफ वाई इजिकल टू डब्लू प्लस पी वन साइन बीटा, ठीक है। आगे देखिए रिजल्टेंट थर्स्ट ऑन बैक ऑफ वाल, अब अगर रिजल्टेंट थर्स्ट निकालते हैं तो रिजल्टेंट निकालना है तो भाई सीधा है कि एफ एक्स का स्क्वायर माइनस एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट कर दो दोनों का माइनस करके वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ एफ एक्स की और एफ वाई की, तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाती है, ये वाली वैल्यू आ जाती है पी वन कोस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर प्लस डब्लू प्लस पी वन कोस बीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये अपना फाइनल क्या निकल के आता है यहाँ रिजल्टेंट थर्स्ट ऑन बैक वाल, जो कि अपना कहाँ रिएक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे रिएक्ट कर रहा है, ये वाला रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, ये जो रिजल्टेंट है ये अपना रिजल्टेंट है पी, ठीक है, इन दोनों के कंपोनेंट से, तो जो रिजल्टेंट निकल के आया वो अपना क्या निकल के आया, ये निकल के आया पूरा ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखिए आगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्ट थर्स्ट, अब अगर इनकी रिजल्टेंट थर्स्ट निकालते हैं लाइन के बेसिस पे तो क्या निकल के आता है, भाई एक एंगल निकालना है तो टेन अल्फा इजगल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन सॉरी लंब अपॉन आधार हो जाएगा, तो यहाँ ये क्या है वर्टिकल कंपोनेंट क्या ले लिया, लंब ले लिया तो डब्लू उसकी जगह ये रख दिया और ओरिजेंटल को क्या ले लिया बेस ले लिया, तो दोनों को पुटअप करने से क्या निकल के आया डब्लू प्लस पी वन साइन बीटा अपॉन पी वन कोस बीटा, तो ये अल्फा का ये वैल्यू ये अपना निकल के आ जाता है विद हॉरिजॉन्टल के केस में। अब जो लाइन ऑफ एक्शन रिएक्ट करेगा वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे करेगा कितनी पे, एच बाई थर्ड फ्रॉम बेस एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखिए आगे एट पॉइंट ए, अब अगर ए पॉइंट पे देखते हैं, देखिए अपना डायग्राम था पूरा, इसका ए पॉइंट ये है, सॉरी इसका ए पॉइंट ये है,
एक मिनट इसको इरेज करते हैं। अब ये देखिए, ए पॉइंट ये है इसका, बी पॉइंट ये है। अगर ए पॉइंट पे अगर अपन प्रेशर निकालते हैं, अपने को पता है कि भाई प्रेशर डिक्रीज फॉर्म में कैसे होता है, जैसे जैसे उसकी हाइट डिक्रीज होती है वैसे वैसे उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। उसी फॉर्म में अगर ए पॉइंट पे प्रेशर देखते हैं तो वो अपना कितना निकल के आता है, वही अपने को यहाँ देखना है। ए पॉइंट पे अगर हाइट अपनी जीरो है तो भाई ऑटोमेटिक है कि प्रेशर भी क्या होगा, जीरो होगा। बिकॉज वी नो दैट पी वन इज इक्वल टू क्या निकाला अपने, 1/2 के गामा इंटू एच स्क्वायर निकाला था। तो उसकी एच की जगह जेड रखोगे, जेड की जगह जीरो रखोगे तो क्या निकल के आएगा, जीरो ही आएगा। एट पॉइंट बी जेड इज इक्वल टू 4 मीटर। मान लीजिए बी पॉइंट पे जो डेप्थ है वो अपनी कितनी है, 4 मीटर है। तो 4 मीटर को अगर इसमें पुटअप करते हैं, एक न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट हो रहा है ये अपना यहाँ पे, ठीक है। कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखी है अपन ने, ये रखते हैं तो अपना फाइनल ये निकल के आता है। अब थ्रस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो इसका एरिया निकाल दिया यहाँ, तो ये निकल के आ गया, ठीक। फिर लाइन ऑफ एक्शन PP2 है तो h बाई थर्ड पे होता है, ठीक है। तो h बाई थर्ड पे होता है तो h इज इक्वल टू क्या है, 4 मीटर है, वो यहाँ पुटअप कर दिया। तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम बेस से आया, ठीक है। अब देखिए ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स, अब सॉइल्स के कंपोनेंट के बेसिस पे देखते हैं तो भाई जानते हैं कि PP3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C√KP हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू पुटअप करी तो अपना ये निकल के आ जाता है। थ्रस्ट कंट्रीब्यूशन में ये आता है और वही कितनी डिस्टेंस पे है, एच बाई थर्ड पे। वैल्यू ऑल ऑफ आर पुट अप इन दिस डायग्राम देन गिवन इज शो डायग्राम। तो ये अपना डायग्राम है पूरा, इसी बेसिस पे प्लॉट हुआ है। देखिए ये PP1 फोर्स इधर लग रहा है, ये PP2 फोर्स के लिए है, ये PP3 फोर्स के लिए है। अब देखिए ये दोनों तीनों फोर्स अपने हैं क्या, ये तो PP1 देखिए अपन ने कहाँ निकाला था, ये वाला पोर्शन निकाला था P1, ये इसका पोर्शन है, ये तो उसका डायग्राम प्लॉट हुआ है, ठीक। PP2 का ये हुआ है, PP2 का नॉर्मल वही था 1/2 K γ into H² और PP3 में ऑल पॉजिटिव है। PP3 का क्या था, 2C√KP का था, ठीक। अब अगर इनको सबको कंबाइंड करके फॉर्म में लिखते हैं तो अपना डायग्राम कुछ ऐसा प्लॉट होता है, और इसकी वैल्यू जो अपन ने माननी थी वो कुछ इतनी आती है। अब जितने भी अपने पैसिव थर्ड पर लेंथ पे लग रहे हैं उन सबको डिवाइड प्लस कर दिया तो अपना ये निकल के आ जाता है। अब अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ PP देखते हैं तो H⁻ = जितना भी आया उनका समेशन करके ये कर देंगे तो फाइनल अपना इतना आता है, ये 1.78 मीटर फ्रॉम बेस, ठीक है। तो ये अपना लास्ट केस बता हुआ था, ये अपन ने आज डिस्कस कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। आगे करते हैं कल बात, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।